वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस ये जो निशु है ये क्लेम करती है कि ये बहुत बड़ी फूडी है, इसने दुनिया भर का खाना खाया है। तो मैंने सोचा चलो आज देख ही लेते हैं कितनी बड़ी फूडी है ये। इसलिए आज मेरी टीम लाई है दुनिया भर से अलग अलग देशों का खाना और हम दोनों को ब्लाइंड फोल्ड होकर वो खाना खाना है और गैस करना है कि कौन सा खाना किस देश का है। जो ज्यादा गैस कर लेगा वो ये चैलेंज जीत जाएगा और इस चैलेंज में होने वाले हैं 7 राउंड पूरे 7। अब सच में पता चलेगा कि निशु सच में बहुत बड़ी फूडी है या बस टिक्की चौमिन तक सीमित है। चलो गाइस अब हमारी टीम लाएगी एक एक करके अलग अलग देशों का खाना। अच्छे से लाना एक ही प्लेट में, दोनों टेस्ट कर लेंगे, ज्यादा बजट नहीं है अपना। अरे कम से कम दो तो मंगा दे भाई यार, तेरा किसी चीज का बजट नहीं है, ना इसका कैमरा, ना माइक, ना टीम। हर वीडियो में बता के क्या साबित करना चाह रही है, औकात क्या तेरा? पहला डिश इसके अंदर है ना, इसके छोटे वाले डब्बे के मेरे सामने भी है। अरे नहीं, एक ही प्लेट का बजट अपना बताया तो था। अरे तो पहले मुझे तो यार, मैं गेस्ट हूँ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बढ़िया है, कौन से देश का है भाई? तू यहाँ पेट भर के नहीं खाना, अभी और भी आइटम आएंगे यार निशु। बेकार लग रहा है, कोई खाए भी ना। टेस्ट हो गया ना तेरा? अरे यार हो तो गया, सबर करो भाई, इतना नहीं है यार, ये वापस भी जाना, इसका रिटर्न डालने लायक छोड़ देना इसमें। तो भाई अब है रिजल्ट का टाइम, मास निकाल ले। अब हम दोनों को एक साथ बताना होगा कि ये खाना कौन से देश का था। एक सेकंड मुझसे पीछे मत होना। 1 2 3 चाइना का माल था जिस हिसाब से नूडल्स लगे मुझे, और नूडल्स में चाइना से ज्यादा महारत थी मुझे लगता कोई और है। बाकी अभी प्लेट आएगी तो उसके नीचे पर्ची देख के पता चलेगा रिजल्ट क्या है। इसके नीचे हो गया पर्ची, आपका नूडल चाइना, यानी कि हम दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है भाई। चलो ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक था, मतलब मेरे लिए तो क्या ही था, मैं तो बचपन में स्कूल से टूर गया था हमारे चाइना भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। फिर टूर पे ले जाते हैं ना, हाँ। चाइना ले गए थे। अच्छा चाइना में कहाँ? चाइना में ये मैक्लोडगंज। सेकंड डिश आ गई भाई, ये तो बड़ी छोटी कटोरी में ही है और छोटे देश का खाना होगा। ये आंखों पट्टी बांध के खाना खाना अपने आप में एक चैलेंज है। पता नहीं अंदर खट्टा है, मीठा है, क्या है? क्या है? मटर पनीर सा लग रहा है। वो नहीं तो पनीर मीठे वाला कौन सा आता है? हाँ। तुम्हें क्या पता, शाही पनीर जैसा लग रहा है, पता नहीं। अरे यार इतना सारा खा जा रहे यार। टेस्ट भी बड़ा यार ये जहाँ का भी है, बाकी मैं दिमाग लगा रहा हूँ कहाँ का है। जापान का खाना तो इतना तीखा इंडिया में नहीं बनता, जापानी का तो तीखा खाना लग गया, ये इंडियन नहीं था। अरे भाई इतना मसालों वाला फ्लेवर आ सकता इंडिया का ही होगा, इंडिया के लोग बर्गर खा रहे हैं। दिखाओ भाई क्या खाना है, अभी पता चलेगा। ओ भाई ये देखने में कैसी है, तेरे जैसी है बिल्कुल। अबे तो भिंडी है इसमें, प्याज है, बड़ा टेस्टी बड़ा था। हाँ। देखते हैं क्या है। ये है भिंडी मसाला पाकिस्तान। यार ये तो इंडिया की भी है यार। तो बात रही होगी। नहीं नहीं भिंडी मसाला तो इंडिया की भी डिश है। बन तो सारा इंडिया में ही रहा है, डिश कहाँ की वो मैटर करता है। डिश इंडिया की है ये। भैया भिंडी मसाला है पाकिस्तान, अगर लिखा है मेरी टीम में तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा। तेरी टीम तेरे जैसी नल्ली है। तो गाइस मैंने जापान बताया तो मेरा तो कोई पॉइंट बनता नहीं है, पर ये भिंडी मसाला है, इंडिया नेपाल पाकिस्तान बांग्लादेश सारी जगह में आती है। जापान भी लिख देते यार इसमें, गूगल में सारे देश डाल ही दिए तो एक जापान भी डाल देते, मेरा ही पॉइंट हो जाता। चलो भाई लाओ अगली डिश। ऐसे तू ऐसा लड़ना मत हर चीज पे, जो लिखा है वो मानना पड़ेगा ठीक है। जो हमारी टीम लिख रही है वही लास्ट। जीत के बाद भी कुछ दे नहीं रहा ये आदमी, कुछ देता है बाद इज्जत सम्मान नहीं मिला। इज्जत सम्मान देते कम से कम, जीत तो लूं कुछ तो हाथ लगे यार। इज्जत सम्मान मिलेगा तो तुझे कहीं अपने चैनल पे तो बिल्कुल नहीं मिलता, लोग गालियां बकरे कमेंट में तेरे चैनल पे। ये आपकी तीसरी डिश। अच्छा ठीक है, लेकिन इसे आप ये मास्क हटा सकते हो। अच्छा इसे देख के भी पहचान में कोई दिक्कत नहीं? पहचान नहीं पाओ। अच्छा अबे ये क्या है, ये तो चट्टी है भाई, ये कहाँ का खाना है? इन वेज है ये कैचवे? ये तो बड़े पेट्रोल जैसा महक रहा है। हाँ तू गेस्ट कर इसको, पहले तू गेस्ट कर कौन से देश की हो सकती है। ये तो पनीर है, सबको दिख रहा है तो भाई मैं बिना खाए पहले मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ा, इसमें है क्या क्या, फिर मैं इन सबको मिला के, अरे तू तेरा हो गया ना तू पीछे रहे, फिर मैं मिला जुलू के सोचूंगा कि कहाँ का हो सकता है। तो ये मुझे कुछ लग रहे हैं, ये भी कुछ है, और ये भी जो है कुछ तो है। क्या बात है, ठीक है भाई थोड़ा खा के देखता हूँ क्या है। तू ये पी के देख एक बार, इससे ज्यादा मैं ये टेस्ट नहीं करवाऊंगा।
अब दोनों को अपना अपना देना है। वन टू थ्री कोरिया। तुझे कैसा लगा कोरिया? कोरिया मुझे कोरिया कैसे लग रहा है, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस करा है कोरिया के बारे में, जितना सुना है, वो सिंपलिसिटी बहुत है। सुना ही है, देखने को कहा तो इसकी भी नहीं है। पर दोनों ने कोरिया बताया, अब देखते हैं कि असलियत में ये है कौन से देश का खाना। यहाँ का है जापानीज रेमेन जापान। अरे गलत बताया ना इसने, कोरिया बोल रहा है। अपना बता, खुद ही तो कोरिया बोला तुमने। भाई ये जापान के लोग मसाला के साथ छोड़ के ये सब बनाने लगे क्या? इन उनपे भिंडी तो बनी नहीं, इनपे ना था कुछ भी मसाला पे। भिंडी मसाला में मस्त नाम लिया था इनको, बढ़िया डिश में नाम ले रहा था जो खाने में इतनी टेस्टी लग रही थी, पर इनको तो गुड़ गोबर खाना है। गोबर मत बोल, जापानी जो देखेंगे तेरे वीडियो को डिसलाइक कर देंगे। अरे जापानी मेरे वीडियो को देखेंगे यार, तेरे तो इंडिया में नहीं देख रहे यार। एक आधी चीज मेरे पास पहले रख अच्छा। दो सब चीज इसको पहले दे रहे हो, जो गेस्ट आया उसकी कोई इज्जत है ही नहीं। पहली चम्मच में समझ नहीं आया, पर मैंने जब चौथी चम्मच मारी तब मुझे समझ आया कहाँ खाना है। यू वेरी चालाक ब्रो, तूने चार खाई है, मैं भी चार खाऊंगी। चलो ठीक है, जल्दी जा जल्दी जा, अरे सारा खा जाएगी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो गाइस हमें क्या लगता है, मतलब मुझे क्या लगता है, मैं अपना बताऊंगा, निशु अपना बताएगी, वन टू थ्री बोलूंगा, पट्टी खोलेंगे एक साथ बताएंगे। वन टू थ्री को, ये था इटली का, इटली का पास्ता। ये देखने में तो पास्ता लग रहा है, कहीं ये कुछ और ना हो, आखिरी पास्ता ही है। क्या पता पास्ता भी किसी और देश का हो, तो ये कंफर्म है कि इटली का ही होता है पास्ता। इटालियन होता है, इटली उधर से इसका निकला, इतना तो है। इटली किधर है? विदेश में। नहीं कहाँ है इटली, थोड़ा आइडिया बता आसपास के देश। इटली पे है पास्ता इन अल्फ्रेडो सॉस नाम है इसका, ठीक है। जो व्हाइट सॉस, व्हाइट सॉस बोल अल्फ्रेडो है, मुझे पता है। बार अल्फ्रेडो तुझे आज पहली बार पता है? पता है, मैंने बहुत खाया। अरे अल्फ्रेडो पास्ता का नाम नहीं है, सॉस का नाम है अल्फ्रेडो। अच्छा वुमेन। चलो भाई अपनी पांच डिश लाई जाए। ले आओ भाई नेक्स्ट डिश लाओ भाई लाओ। आहा अरे ग्लास में इस बार दूध है। दूध भी अलग अलग देशों का अलग होता है क्या? हाँ, तो तुझे क्या लगता है भारत के अलावा कोई दूध नहीं पीता क्या? तो गाइस ये जो फूड है मुझे लगता है ये है इंडिया की। तो ये तो लस्सी थी, बड़ा ऑब्वियस था, तो मैं तुझे भटका रहा था दूध दूध बोल के। अच्छा, ताकि तेरा डिसीजन बदल जाए। देख रहे हो, मैं तो एक सिप में पहचान गई, लस्सी इंडिया। इंडिया तो मेरे कितने हो गए? तीन पॉइंट। और तेरे? तेरे से एक ज्यादा ही है, चार पॉइंट। भाई ऐसा कुछ लाना विदेश का, अमेरिका लंदन टाइप, जहाँ मैं क्रॉस करूंगा और मैं जीतूंगा। भाई मैं थक गई यार। अरे सीधी बैठ जा रही है तू, वीडियो में बैठी है या अपने घर में बैठी है खाट पे? अरे खाना ऐसे ही खाते हैं। वो चीका है। भाई जल्दी करो, भाई ले जाओ यार, ले जाओ। क्या रिजल्ट टाइम? वन टू थ्री बोलूंगा बताना, ठीक है? पहले पट्टी हटाने दो, पट्टी हटाने दो भाई। अरे बहुत ही कठिन यार। वन टू थ्री कोरिया। तीखेपन से मुझे लगा। तो अरे यार ये तो साफ झूठ है, कोरियन तो तीखा खाते ही नहीं है। वो तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, अब मैं कह रहा हूँ खाने लगे। पकड़ मेरे को जानता नहीं भाई। नहीं या तो तू अब पहले बता क्यों लगा तुझे। ये मेरा गैस है, तूने भी कोरिया बोला है ना। हाँ। तूने किस व्याप पे बोला? क्योंकि ये रामन थे। ये रामन कौन है? रामन है, रमन नहीं, ठीक है। चलो वन टू थ्री। याकी उडोन। रामन बता रही है। रामन में एक वो होती है, टर्म होती है। टर्म? हाँ। उसको ही नाम दिया गया ये याकी उडोन। क्या बोल रही है? कोरिया है से है, बात खत्म, हम दोनों का सही है। अब लास्ट राउंड है, सात बार हूँ, और अगर मैंने सही बताया, निशु ने गलत बताया, तो हम दोनों का टाई हो जाएगा। पर अगर मैंने गलत बताया और निशु ने सही बताया तो निशु जीत जाएगी। अगर मैंने भी सही बताया, निशु ने भी सही बताया, तो भी निशु जीत जाएगी। तो अगर मुझे टाई करना है चैलेंज में, निशु बराबर इज्जत देनी है तुम लोगों से, तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मैं तो सही बताऊं। लाओ भाई, इसमें क्या लाया भाई? कुछ है भी नहीं। अंदर बंदूक चीज़ थोड़ा ध्यान से खाना, अंदर सांप वगैरह लग रहे हैं। नहीं। ए यार गंदी बात मत कर यार।
तो चल 1 2 3 करते हैं। मैं बोलूँ 1 2 3 अमेरिका यूएस। मेरा भी अमेरिका ही है, मतलब सीधा सीधा बोलना यूएस क्या नई चीज बोल रही है। मैं सोचूं मेरी बेइज्जती होती है, मेरे मीम बनते हैं, मैं पहले डिकोड कर लूं सही भी बोलना है कि नहीं। अमेरिका ही है ना? हाँ अमेरिका है। दिखा भाई अमेरिका है दोनों। तो गाइस इसका रिजल्ट कुछ भी आए निशु ही जीतेगी। अगर गलत हुआ तो दोनों का गलत होगा, उसमें निशु का पॉइंट एक ज्यादा है। फिर भी देख लेते हैं कि ये था कहाँ का, इसमें खीरा भी है। ये है अमेरिकन कॉटेज चीज डिलाइट बर्गर अमेरिका। चीज अभी टीम में से किसी ने खाली हुई ना निकल के। निशु जीत गई है और देख लेना इज्जत उज्जत देनी है किसको देनी है। अरे सुनो डिजर्व करता है कौन है? हमको चाहिए फुल इज्जत। कमेंट बॉक्स में लिखो निशु दीदी बेस्ट। और अगर आप फूड चैलेंज देखना है तो 50,000 लाइक कर देना, बाकी चैनल सब्सक्राइब करो। करो ना करो बनाना इसने फिर भी है।